आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के शो दंगल में बोले AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान। वारिस पठान ने पूछे सुधांशु त्रिवेदी से सवाल, कहा रामलला की प्रकट हुई मूर्ति कहाँ है? रामलला की वो प्रकट हुई मूर्ति मंदिर में क्यों नहीं रखी जा रही है? नई मूर्ति क्यों रखी जा रही है? तमाम बड़ी बातें जो आज तक के शो दंगल में AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी से पूछा है। 10 सेकंड में मैं सुधांशु त्रिवेदी से एक डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं, जो काफी मेरे नॉन मुस्लिम दोस्तों ने मुझे कहा कि आप पूछिए, और मैं पूछना चाहता हूं। सुधांशु भाई, रामलला की जो मूर्ति प्रकट हुई थी, जिसके ऊपर इतना सारा सब बवाल हो गया, उसके ऊपर बाबरी आ गई, आपने शहीद कर दिया, राम मंदिर बना दिया, वो मूर्ति कहाँ है? उसके बारे में आपको कोई नॉलेज है? वो मूर्ति क्यों नहीं रखी जा रही है? उसकी जगह दूसरी मूर्ति क्यों रखा जा रहा है? मेरी सिंपल बात का जवाब जनता जानना चाहती है, जनता का सवाल है सुधांशु भाई आपसे। बोले सुधांशु जी। वारिस पठान जी ने जो बोला, यहीं पे मेरी जितेंद्र नवार जी की बात का उत्तर भी आ जाता है। मान्यवर, जैसे मैंने उनसे कहा कि उन्होंने अगर वैदिक गुरुकुल में संस्कृत नहीं पढ़ी तो टिप्पणी जवाब दो, वैसे आपने जो प्रश्न किया है इसके लिए कोई आधिकारिक धर्माचार्य महामंडलेश्वर वही आकर उत्तर दे सकता है।